Assalamualaikum children, how are you all? I hope you all are fine. तो बच्चों हमने आ से आहा तक अपने अक्षर कंप्लीट किए थे. आपको पता है ना बच्चों, मैंने पढ़ाया था ना आ से आहा तक के अक्षरों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. तो फिर से हम रिकैप करेंगे, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे और लिखेंगे. ओके चलिए. अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईक, ई से ईक, ओ से उल्लू, ओ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, आई से ऐनक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, आउ से औरत, आउ से औरत, अम से अंगूर, अम से अंगूर, आहा से तो कुछ नहीं होता है, पता है ना बच्चों आप लोगों को. चलिए हमने आ से ऋषि तक किस तरह लिखना है वो लिखना सीखा था. अब हम ए से एड़ी से आहा से कुछ नहीं तक हम लिखेंगे. ओके रेडी फॉर राइटिंग. चलिए अब हम लिखेंगे. चलिए बच्चों अब हम लिखेंगे. जिस तरह हमने आ से ऋषि तक लिखा था, अब हम ए से आहा तक लिखेंगे. ओके रेडी. देखिए इस तरह स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन. ए, ए के बाद क्या आता है? आई. ए से एड़ी, आई से ऐनक, अब हम लिखेंगे ओ. आपको तो पता है ना ओ लिखना बहुत आसान है. ओ, ओ को यहाँ एक मात्रा होती है. ओ से ओखली, आओ से अब हम लिखेंगे अम, अम से अंगूर, ये हो गया अम. अम से अंगूर, आहा से कुछ नहीं, इस तरह आप लोगों को भी लिखना है. ए आई, ओ आओ, अम आहा, ए आई, ओ आओ, अम आहा, ए आई, ओ आओ, अम आहा. तो बच्चों आ से आहा तक इन सारे अक्षरों को क्या कहते हैं? स्वर. तो हमारे स्वर कंप्लीट हो गए हैं आ से आहा तक. ओके और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको लिखने में आसानी होगी, अच्छा अच्छे से अच्छी तरह से आपको लिखना भी आएगा.
ओके। तो बच्चों आप लोगों को अ से आहा तक अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हमारे स्वर कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद के अक्षर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और लिखेंगे। ओके, थैंक यू।